हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत बहुत थैंक्स मलेशिया के लिए जो एप्लीकेंट सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत मुबारकें, और आप सबका बहुत बहुत थैंक्स आपके प्यार के लिए। तो दोस्तों, अभी बढ़ते हैं कुछ और वैकेंसीज के लिए जिसमें अच्छी अर्निंग हो सकती है, और अच्छी अर्निंग हो सकती है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसमें आप अप टू 60,000 टू 1,00,000 के बीच में कमा सकते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कैसे, इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी यूट्यूब तो आप फॉलो कर ही रहे हो। तो दोस्तों, बात करते हैं, ये है दुबई के लिए, अबूधाबी के लिए एक्चुअली, टैक्सी ड्राइवर का। ये बहुत अच्छी कंपनी है, ये विजिट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में हमें इशू आ रहे थे कि जैसे टाइम जा लग रहा था लाइसेंस वगैरह में, वीजा कन्वर्ट होने में, लाइसेंस में वीजा कन्वर्ट होने में पहले 1 महीना लगता था, अब तो 2-3 महीने भी लग रहे थे। इसी वजह से हमने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ही जो है किया है उसके बाद, और अभी भी वही कर रहे हैं। पहले हमने एमिरेट्स में भेजे थे, अभी अरेबिया टैक्सी है। तो अच्छी कंपनी है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा यहां से। इसमें कैसे चलता है, देखो, इसमें पहले यहां पे इंटरव्यू होगा, कंपनी वाला यहां पे इंटरव्यू लेने आएगा। बेसिक इंटरव्यू होता है, बेसिक इंग्लिश चाहिए, ठीक है। टेंथ पास होना जरूरी है। पंजाब का भी चलेगा, आउट ऑफ पंजाब भी चलेगा, हर जगह एप्लीकेंट चलेंगे। बट कंपनी कह रही है विद टर्बन हम नहीं लेंगे, विद टर्बन और विद टैटू। टैटू किसी के हाथ में होगा तो हम नहीं लेंगे, ये कंपनी का कहना है। देखिए, हम चाहते हैं सब बंदे जाएं, हर एप्लीकेंट जाए, बट अभी कंपनी की टर्मिनेशन उसको हम नहीं रोक सकते। पंजाब से, आउट ऑफ पंजाब कहीं से भी कोई भी जा सकता है। एज 22-23 साल से लेके 40-42 ईयर्स तक भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश के बाद आपको गाड़ी कैसे चलाते हैं, इंडियन लाइसेंस होना चाहिए। गाड़ी चलाने का लगभग आपको 2 या 3 साल पुराना लाइसेंस कम से कम होना चाहिए। अब फ्रेश लाइसेंस होगा तब चांसेस कम होंगे सिलेक्शन के। 23 तारीख को हमारे ऑफिस में, ठीक है, मोहाली खरड़ में हमारे ऑफिस में ही इंटरव्यू होगा। आप किसी भी स्टेट से आ सकते हैं। और इसमें कैसे रहता है, पहले आप यहां से वर्क वीजा लग के जाएगा अबूधाबी के लिए, वहां पे आप पहुंचेंगे। उसके बाद वहां पे एमिरेट्स आईडी बनेगी, स्कूल में जो ड्राइविंग स्कूल होता है उसमें आपकी एक तरह से सिलेक्शन होगी या एंट्री होगी। वहां पे आप ड्राइविंग के जो रूल्स होते हैं, ड्राइविंग नहीं सिखाएंगे वहां पे, ड्राइविंग के रूल्स सिखाएंगे, ठीक है। आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। टेस्ट हमें यहाँ पे भी कोशिश है हमारी कि जो न्यू लाइसेंस वाले होंगे, जिनका बिल्कुल न्यू है, उनकी ट्राई हम यहाँ पे लेंगे। जो पुराने लाइसेंस वाले को आती है गाड़ी चलाना, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है किसका उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस ट्राई लेनी है नहीं लेनी है। यहाँ पे जो यहाँ पे सिलेक्ट होगा, इट मीन्स वहां पे भी उसको लाइसेंस मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 2-3 महीने एटलीस्ट ट्रेनिंग होती है, 3 महीने लेके चलो आप। 3 महीने के बाद आपको जब लाइसेंस इश्यू होता है तब आपके हाथ में गाड़ी आती है। 3 मंथ मिनिमम सोच के चलिए, 1 महीना एम्प्लॉयमेंट वालों का, जिनके जो इंडिया से एम्प्लॉय। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें आपका लाइसेंस भी बनता है। जितनी बार अगर आप फेल होते हो तो आपका टाइम एक्स्ट्रा लगता है, किसी का 4 महीने लगते हैं, किसी के 3 महीने लगते हैं। ऑन एन एवरेज 3-4 महीने जो है वो जो एम्प्लॉयमेंट वाला है उसके लगेंगे। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग आपको 500 दिरहम प्लस फ्री अकोमोडेशन, 500 फूड के लिए मिलेगा और फ्री अकोमोडेशन मिलेगी। प्लस जब आपका लाइसेंस आपके हाथ में आ जाएगा, गाड़ी आपके हाथ में आ जाएगी, तो आपको 800 दिरहम बेसिक प्लस अकोमोडेशन, ये पूरे 2 साल फ्री मिलनी है। प्लस आपको स्लैब के वाइज होता है अप टू 28% स्लैब। आप गाड़ी 12 घंटे के लिए भी ले सकते हो या 24 घंटे के लिए भी ले सकते हो। 24 घंटे लेंगे तो आपको ये है कि आपके चांसेस अर्निंग के ज्यादा होते हैं, गाड़ी आपके पास रहेगी। जो 12 घंटे के लिए अगर आप गाड़ी दिन में लेते हैं कंपनी से, तो आपको 28% तक कमीशन मिलेगा। स्लैब होती हो 0-200 उतना, 200-250 उतना, 250-300 उतना, 300-400 उतना, इस हिसाब से होता है कलेक्शन के हिसाब से। इसमें हर एप्लीकेंट, मैं गारंटी दे सकता हूं कि 2,500 दिरहम से लेके 3,000 तो हर एप्लीकेंट कमाता है, 2,500 से 3,000। और जो हमारे कुछ एप्लीकेंट पुराने हैं वो तो 4,000, 5,000, 6,000 सीजन टाइम में भी कमाते हैं, मतलब 70,000, 80,000 से लेके 1,25,000 के अप्रोक्सीमेट तक भी कमाते हैं। बट फिर से हमारा वही फंडा रहता है कि मिनिमम बोल के चलो 2,500 दिरहम का मतलब हो गया लगभग 50-55,000, उतना बोल के चलो, ठीक है। कल को कोई ये नहीं कह सकता जी आपने ज्यादा सैलरी का लालच दिया, हम लालच नहीं देते हैं किसी को, ठीक है। तो इसमें हमें 10th पास किसी भी स्टेट से जा सकता है,
टैटू ना हो, विजिबल टैटू ना हो, टैटू बाजू पे होता है तो शर्ट पूरी डाल सकते, कोई दिक्कत, विजिबल टैटू हाथ पे यहाँ वहाँ वहाँ नेक पे कहीं ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वैसे तो दुबई के लाइसेंस की कॉस्ट अगर आप डायरेक्ट जाके बनाते हो तो लाइसेंस का लग जाता है 6-7-8 हज़ार दिरहम, ठीक है। जब आप वहाँ पे कंपनी में जाओगे तो आपको जो फीस होती है वहाँ पे स्कूल की, वो कंपनी से हमने बात की है, कंपनी आपसे इंस्टॉलमेंट में ले लेगी, नहीं तो आपको वहाँ जाके पे करनी पड़ती है। दुबई लाइसेंस का आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में वैलिड है, पूरी दुनिया में लाइसेंस जो है वो चलता है। तो वहां पे जाके हमने बात की है कि एप्लीकेंट वहां पे जाके इंडिया से भी खर्चा करके जाएगा वीजा का, उधर जाके भी अगर वो 6-7 हज़ार दिरहम का मतलब हो गया कि 1.25-1.5 लाख देगा तो वो उसके लिए ज्यादा हो जाएगा। तो हमने बात की है कि कंपनी पे कर दे वहां पे, ठीक है। वहां पे आई थिंक आपको 2,000 दिरहम फीस, स्कूल फीस के लिए अपफ्रंट देना पड़ेगा, बाकी कंपनी 5-6 हज़ार जो बचेगा वो कंपनी जो है आपके इंस्टॉलमेंट में मंथली टू मंथली जब आपकी अर्निंग होना शुरू हो ले लेगी। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। दुबई का लाइसेंस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है वैलिड है, क्योंकि वो इतने आसानी से नहीं बनता है। जिसको अच्छी ड्राइविंग आती है, बेसिक ड्राइविंग अच्छी आती है तो, और बेसिक इंग्लिश आती है, उसका लाइसेंस बनने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो एप्लीकेंट वहां पे जाके अच्छा पैसा कमाना चाहता है, देखो एक्चुअली आपको पता तब चलेगा 6 महीने के बाद कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि 3-4 महीने आपका ट्रेनिंग लाइसेंस ये वो में लग गया, उसके बाद आपका 1-2 महीने आपको रोड समझने में लग जाएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे कितनी अर्निंग होती है। और बिलीव मी दुबई में जो भी टैक्सी ड्राइविंग अच्छे से करता है उसको बहुत अच्छा, देखो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, मेन ये है, रूल्स फॉलो करोगे अच्छे से चलोगे पैसा बहुत है। 10 किलोमीटर चलने का कई बार 100-100 दिरहम जो है लगता है। मैं खुद दुबई जाता हूँ तो एयरपोर्ट से लेके मार्केट तक 6-7 किलोमीटर है, जाते हैं तो मेरा कहीं 80 दिरहम 70 दिरहम कभी कितना ये लगता है। तो कलेक्शन का तो मुझे लगता है नहीं कि कलेक्शन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सब ऑनलाइन बुक होती है टैक्सीज वो, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो, 23 तारीख को इंटरव्यू है, 23 इस जून को, आप जहां से भी हैं आप आ सकते हैं, वेलकम है। टर्म कंडीशन बता दी है, टेलीग्राम पे मैं और डिटेल्स डाल दूंगा, ठीक है। वीजा जो है लगभग 1-1.5 महीने में वीजा आ जाएगा। मेडिकल जो है उसका पहले प्री मेडिकल करवाएंगे, नॉर्मल मेडिकल आप कहीं से भी करवा के दे दो कोई दिक्कत नहीं है, गम का मेडिकल होता है क्योंकि अबू धाबी है, इसकी पेस्टिंग भी होनी है, वीजा पासपोर्ट पे स्टिकर भी इंडिया से लग के जाना क्योंकि अबू धाबी के लिए है, ठीक है। तो इसमें टोटल 1.5 महीना लगभग लग जाएगा ऑफर लेटर साइन करने के बाद, ठीक है। इसमें कुछ पेमेंट एडवांस होती है, बाकी सारी वीजा के बाद होती है। तो आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो व्हाट्सएप नंबर है सबसे पहले उस पर कर लीजिए, उस पर आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि अभी हमारा जो स्टाफ है वो मलेशिया के डॉक्यूमेंटेशन में बिजी है। आप कॉल कर सकते हैं, कॉल पिक हो तो अच्छी बात, नहीं तो जो नंबर है 9988345665 उस पर आप व्हाट्सएप पे कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।